सीमेंस की भी एफडी का एरर है A522, ठीक है, IC2 I2C रीड आउट टाइम आउट, ठीक है, इफ़ साइकिल एक्सीड टू UCE वैल्यू, ठीक है, पावर स्टैक टेम्परेचर वाया I2C बस ओनली फॉर द फ्रेमवर्क सीरीज साइज इज डिस्टर्ब, ठीक है, अगर इसका पावर स्टैक टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब हो गया ये तब आता है, इस केस में आपको VFD रिप्लेस ही करनी पड़ती है, ठीक है, और कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितने भी VFD के फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रिपल सेटिंग होती हैं उनकी सबकी वीडियोज़ आने वाली हैं और जितने भी VFDs हैं सबकी, और एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं, वो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स PLC VFD स्पेशली ऑटोमेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी और जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को इम्प्रूव करने में। थैंक यू।